मंत्री ट्रांसफर करेंगे प्रस्ताव मंगलवार के। सभी विभागों का तो ठीक ठाक हुआ, लेकिन एक हमारा विभाग जो बहुत मुख्य विभाग है, शिक्षा विभाग, ट्राइबल विभाग, अनुसूचित जनजाति और ट्राइबल विभाग, उस विभाग की ये हालत है कि उस डिपार्टमेंट को ही भाजपा के नेताओं ने हाईजेक कर लिया है। लगातार कांग्रेस के किसी विधायकों की सूची नहीं सुनी जा रही है। ये भाजपा के लोग सूची शिक्षा विभाग में बना रहे हैं, भाजपा नेताओं के घर में सूची बनाए जा रहे हैं, और तो और पोस्टकार्ड भेजकर फोन करके बुलाया जा रहा है कि 6 महीना की तनख्वाह दोगे तभी आपका पंचायत जगह पर ट्रांसफर होगा या ट्रांसफर पोस्टिंग होगी, नहीं तो नहीं होगी। इस तरह के भाजपा के कुछ नेताओं ने षड्यंत्र करके कर रहे हैं, और हमारे मंत्री को भी हाईजेक कर लिए हैं, हमारे अधिकार विभाग को भी हाईजेक कर लिए हैं, और ये भाजपा के लोग तय कर रहे हैं अगर बीओ बनना है तो 5 लाख दो, बीओ बनना है तो 7 लाख दो, एसी बनना है तो 7 लाख दो, अगर मास्टर को ट्रांसफर करना है तो वो शिक्षा कर्मी को फोन करके बता जा रहे 6 महीना की तनख्वाह दो। इस तरह से लूट मचा हुआ है। जो जो हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं, हम लोगों ने जो प्रस्ताव दिया एक भी नहीं किया गया, और बल्कि ये हम लोग के जो विरोधी थे उनको अधिकारी बैठक बना के हम लोग के खिलाफ काम करने के लिए बैठाया जा रहा है, ये हालत है। इस बात पे हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को अवगत करा दिया है, माननीय हम लोग दिल्ली जाके बोरा जी को भी अवगत करा दिए हैं, पुनिया सर को भी अवगत करा दिए हैं, और ये जो हम लोगों ने यही आग्रह किया है कि हमारे जो एक मंत्री वो भाजपा के लोगों ने उस विभाग को हाईजेक कर लिया है, उसको मुक्त करा दीजिए। छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ईमानदारी पूर्वक जैसे सभी मंत्री कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, उस तरह से वो भी काम करने करें, और अगर नहीं सुधरता है तो ऐसे मंत्रियों को तत्काल हटा दें। बहुत सारे बस्तर के हमारे अच्छे विद्वान साथी हैं और लोग हैं, उनको मौका दीजिए, लेकिन ऐसे भाजपा के कब्जे में से उनको मुक्त कराइए मंत्री जी को और उस विभाग को।